जय हिंद दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम क्या होता है? दोस्तों, ओम के नियम को समझने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे प्रतिरोध क्या होता है। अगर आपको ये प्रतिरोध समझ आ जाता है तो ओम का नियम आपके बाएं हाथ का खेल है। तो जैसे हम प्रतिरोधों का संयोजन भी देखेंगे, समांतर और श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले प्रतिरोध समझते हैं। जैसे हम आपको खुली जगह में दौड़ने के लिए दें और फिर अगली बार हम आपको पानी के अंदर कूदा दें और बोलें कि आप पानी के अंदर दौड़ो, तो आप महसूस करेंगे कि आप जो खुली जगह है, खुली जगह में ज़्यादा तेज़ दौड़ पाएंगे। तालाब में दौड़ेंगे और तालाब में दौड़ने पर आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, और वहीं खुले मैदान में जब आप दौड़ेंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब दोनों जगह में अंतर है, कोई ना कोई आपके दौड़ने पर अवरोध डाल रहा है। जैसे आप पानी में दौड़े तो पानी आपको रोक रहा है दौड़ने से, और खुले हवा में जब दौड़ रहे थे तो वहाँ पर आपका प्रतिरोध बहुत कम था, क्योंकि वहाँ पर हवा का प्रतिरोध था लेकिन बहुत कम था। तो प्रतिरोध का मतलब है अब बाधा, आपके दौड़ने में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसी वजह से आप पानी ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है, इस वजह से पानी में बहुत धीरे दौड़ पाते हैं। वहीं खुली हवा में हवा बहुत कम विरोध करती है, इस वजह से खुली हवा में आप तेज़ दौड़ देते हैं। बस यही काम करंट के साथ हो रहा है। धारा, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा को जो रोक रहा है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब यही होता है, जो धारा के प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न कर रहा है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब आइए, हम प्रतिरोध को समझ लिया, हम अब सबसे पहले समझेंगे ओम का नियम क्या होता है। दोस्तों, अब हमने लिया हुआ है कॉपर का तार, मान लो एक मीटर लंबाई है कॉपर का तार है, एक मीटर लंबा इसकी लंबाई है। हमने इसके सिरों पे लगा दिया विभांतर वोल्टेज, मान लो वी वोल्टेज इसके सिरों पर लगा हुआ है। जब विभांतर होगा तो वहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि वोल्टेज हमने अब इसके लगा दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ओम का नियम कहता है एक मीटर लंबे जो तार है आपने लिया है उसके सिरों पे जितना वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज वी, और इसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी, अगर हम उसका रेशियो, उसका अनुपात लें, मतलब मान लो वी वोल्टेज आपने लगाया इस तार के ऊपर और इसमें आप इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू आई है। तो ओम ने कई प्रयोग किए और ओम ने प्रयोगों के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला कि वी और आई का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट बोलते हैं नियतांक को। भौतिक राशियों को परिवर्तित ना किया जाए, जैसे ताप, दाब इत्यादि को परिवर्तित ना किया जाए। तो ओम ने प्रैक्टिकल किया, ओम ने एक मीटर का तार लिया और उसमें वी वोल्टेज लगा दिया और उसमें होने वाली प्रवाहित होने वाली धारा ली, और उन्होंने इस वोल्टेज को बढ़ाया घटाया, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी बढ़ी या घटी इसी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने फिर इसके रेशियो को देखा, वोल्टेज और धारा के रेशियो को देखा, और उन्होंने पता लगाया इसका अनुपात हमेशा बराबर आया। वोल्टेज की वैल्यू जैसे ही उन्होंने बढ़ा दी, उसी के हिसाब से करंट की वैल्यू भी बढ़ गई, या वोल्टेज की वैल्यू जिस हिसाब से घटाई उसी के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू घट गई। कुल मिला के ये रहा कि वोल्टेज और धारा का अनुपात उन्होंने देखा प्रैक्टिकल करके, वो हमेशा नियतांक आया, नियत आया। इसी को उन्होंने बोल दिया, जो नियत आता है इसी को कहते हैं प्रतिरोध, नियतांक को ही बोला प्रतिरोध। अब ओम के नियम की परिभाषा है, जब एक मीटर लंबा कोई तार लेते हैं तो उसके सिरों पर यदि उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस तार के सिरों पर लगाया गया विभांतर वोल्टेज और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियतांक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं प्रतिरोध। ओम ने ये प्रैक्टिकल से ये निकाला। अगर आप एक कॉपर का एक मीटर लंबा तार लेंगे और आप उस पर कितना भी वोल्टेज लगाइए, उसका वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा समान आएगा, इसी को उन्होंने बोला, इसे प्रतिरोध कहते हैं। इतनी सी बात ओम ने प्रैक्टिकल के आधार पर बताई। अब आइए देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर और श्रेणी क्रम। तो दोस्तों, अब हम प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम देखेंगे। जैसे आप बताइए, अगर हमने श्रेणी क्रम कैसे कहते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में, यह एक हमारा प्रतिरोध है R1, यह हमारा प्रतिरोध है R2 और यह हमारा प्रतिरोध है R3। अब इसमें एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का धनात्मक सिरा दूसरे प्रतिरोध के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध का धनात्मक सिरा तीसरे प्रतिरोध के ऋणात्मक से जोड़ दिया जाए और ऐसे ही सीरीज बना दी जाए, तो इसी क्रम को कहते हैं
श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का मतलब हो गया, अब आप जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो आप देखिए धारा प्रवाहित करेंगे तो सेम धारा पूरे सर्किट में प्रवाहित हो जाएगी और यहाँ आउटपुट पे आपको आई करंट मिलेगा। कहने का मीन्स है जितनी धारा यहाँ पे आप प्रवाहित करेंगे पूरे में समान धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा की वैल्यू क्या है, चेंज नहीं हो रही है, पूरे में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप देखिए जब अब हमने इन्हीं तीनों प्रतिरोधों को अलग अलग लिखा है। अब आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे हमने आई धारा प्रवाहित की। अब आप बताइए अगर ये प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इस करंट के बहने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। जैसे अगर मान लो अगर आपको बालू में दौड़ा दिया जाए फिर आपको पानी में दौड़ा दिया जाए तो आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बालू में आप तब भी दौड़ सकते हैं, पानी में जब कूदा देंगे तो पानी में और आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी पानी के, आप बालू के तुलना में आपकी ज़्यादा एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी, पानी में दौड़ने में। बस यही काम यहाँ है, जब ये धारा प्रवाहित होगी अगर इस प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, तो इस एनर्जी इस करंट को फ्लो होने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एनर्जी वेस्ट होगी इसकी। तो एनर्जी का मतलब क्या है, विभव, विभव का मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही विभांतर कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा इसकी खर्च हो जाएगी, ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने का मतलब, तो इसका वोल्टेज मान लो V1, ऊर्जा खर्च हुई यहाँ पे, वी वोल्टेज को हम ऊर्जा ले रहे हैं, मान लो V1 ऊर्जा यहाँ पे खर्च हुई। अब आप बताइए अगर ये प्रतिरोध कम होगा, आप बालू में दौड़ा रहे हैं आपको, और ये आप दौड़ रहे हैं, मतलब करंट मतलब आप दौड़ रहे हैं और ये बालू है, तो पानी की तुलना में आप अब यहाँ पे कम ऊर्जा लगेगी, कम ऊर्जा खपत होगी। मान लो ये ऊर्जा V2 है, क्योंकि यहाँ पे V1 ज़्यादा ऊर्जा है खर्च हो रही है, यहाँ V2 कम ऊर्जा खर्च हो रही। अब यहाँ पे ये तीसरा है खुला मैदान, मतलब केवल वायु का प्रतिरोध है, तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत कम खर्च होगी। कहने का मीन्स है जब करंट पास होता है तो ये बैरियर हैं R1, R2, R3, इस वजह से आप देखेंगे करंट तो समान प्रवाहित हो रहा है, यहाँ भी प्रवाहित हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। करंट का मतलब आप, चाहे आपको हम खुले मैदान में दौड़ा दें, बालू में दौड़ा दें, पानी में दौड़ा दें, आप हमेशा समान रहेंगे। कहने का मीन्स ये करंट हमेशा समान रहेगी, लेकिन इसे दौड़ने में जो यहाँ ऊर्जा खपत हो रही है V1, V2, V3, पोटेंशियल ड्रॉप जिसे बोलते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है मतलब ऊर्जा का खपत अलग अलग होगा। मान लो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है लेकिन विभांतर अलग अलग होता है। बस इतनी बात समझाने के लिए हमने आपको ये सर्किट बताया। तो इसमें ऊर्जा अलग अलग खपत होगी का मतलब इसकी V1 होगा, इसका विभांतर क्या होगा V2 होगा, इसका विभांतर क्या होगा V3 होगा। तो आप ये समझ लीजिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है लेकिन विभव अलग अलग होता है। अगर हम इसको मान लें, पूरे को ओवरऑल मान लें कि ये रेसिस्टेंस इसका R आएगा, इसे मान लें कुल मिला के ये हवा का, ये बालू का, ये पानी का, जैसे हमने आपको बताया था, ये ओवरऑल मान लें आपको कुल मिला के इतना रेसिस्टेंस लगा R, इक्विवेलेंट मान लिया, और हमने करंट I फ्लो कराई, और यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, अगर मान लो आपकी एनर्जी यहाँ V1 ड्रॉप हुई, यहाँ पे V2 ड्रॉप हुई, यहाँ V3 ड्रॉप हुई, अगर हम आपसे बोलें आपकी कुल एनर्जी कितनी ड्रॉप हुई, तो आप क्या बोलेंगे, भैया हमारी एनर्जी V1 प्लस V2 प्लस V3 कुल इतनी ड्रॉप होगी, इतनी तो ड्रॉप होगी आपकी एनर्जी V1 प्लस V2 V3। बस यही यहाँ पे कि हमने, और हमने मान लिया इसको V, कुल एनर्जी हमने मान ली V है, तो इसे V मान लिया। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि इसमें लगने वाला विभांतर V और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हमेशा नियतांक होगी, वो क्या है R। तो इस V की वैल्यू क्या आएगी, आई R। अब आप बताइए तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, V1 की वैल्यू क्या आएगी, प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आई, यहाँ पे प्रतिरोध कितना है R1, ऐसे ही यहाँ पे V2 क्या आएगा, V2, प्रवाहित होने वाली धारा क्या है आई, प्रतिरोध क्या है R2, ऐसे ही यहाँ पे V3 क्या होगा, प्रवाहित होने वाली धारा आई, प्रतिरोध R3। अब V1 V2 V3 की वैल्यू आपको मिल गई, उठा के यहाँ पे रख दीजिए, और V की वैल्यू यहाँ से आपको मिली गई थी, V की जगह रखिए आई गुणा R, V1 की जगह I R1 प्लस I R2
प्लस आई आर थ्री। अब आई इधर से पूरा कॉमन आ जाएगा, सब में आई है तो आई कॉमन ले लीजिए, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आप देखेंगे ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो कुल प्रतिरोध क्या आएगा आपका, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये होता है जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आइए आपको समांतर क्रम बताते हैं। समांतर क्रम क्या होता है आइए वो से बताते हैं। ये मान लो एक टर्मिनल है प्लस, ये माइनस है, ये सारे प्रतिरोधों का प्लस माइनस टर्मिनल है। अगर प्रतिरोध R1, R2, R3 का धनात्मक सिरा एक पॉइंट से जोड़ दिया जाए और प्रतिरोध R1, R2, R3 का ऋणात्मक सिरा दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया जाए, तो इसी को कहते हैं समांतर क्रम। R1, R2, R3 का धनात्मक सिरा पॉइंट मान लो ये A है, A से जोड़ दिया, और R1, R2, R3 का ऋणात्मक सिरा हमने पॉइंट B से जोड़ दिया, तो इसी को कहते हैं समांतर क्रम। अब आप बताइए यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी I, तो यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह अलग अलग बट जाएगी, और जो वोल्टेज होगा इन दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज होगा, आप देखेंगे जब ये दो बिंदु सारे प्रतिरोध इन्हीं दो बिंदुओं से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब विभव समान होगा, ऊर्जा समान होगी, क्योंकि प्रतिरोध R1 भी AB से जुड़ा हुआ है, R2 भी AB से जुड़ा है, R3 भी AB से जुड़ा है, तो वोल्टेज इनका क्या होगा, समान होगा, V होगा। अर्थात इसमें जो वोल्टेज V1, V2, V3 है वो सारे वोल्टेज बराबर होंगे, V1 बराबर V2 बराबर V3। लेकिन अब धारा अलग हो जाएगी, जब वोल्टेज समान है रेसिस्टेंस अलग अलग है तो धारा अलग हो जाएगी। हमें धारा हमेशा क्या करती है, हम जो धारा होती है हमेशा, जैसे आप हैं एक रास्ते पे शेर बैठा हुआ है, एक रास्ते पे बैल बैठा हुआ, और एक रास्ते में कांटे हैं। अगर हम आपको तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से जाने के लिए बोलेंगे तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, आप शेर वाला रास्ता तो नहीं चुनेंगे, क्योंकि वहां पे आपके बचने के चांस कम है, मतलब आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। सेम काम यहाँ होता है, धारा, धारा मतलब हम लोग समझ लीजिए, हम लोग धारा हैं, तो हम लोग हमेशा कम रेसिस्टेंस वाले, मतलब जहाँ हमें कम मेहनत करनी पड़े वो वाला पाथ चूज करते हैं। ऐसे ही धारा जो होती है हमेशा कम प्रतिरोध वाला मार्ग चुनती है। तो आप बताइए ये तीनों प्रतिरोध अलग अलग हैं तो धारा भी अलग अलग हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, लेकिन जब ये धारा यहाँ पे आके मिलेगी तो I हो जाएगी, मतलब जितनी थी उतनी निकलेगी। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1, I2 और I3 तीन भागों में विभाजित हो गई ये धारा। ओम का नियम क्या कहता है, वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा नियतांक होगा। तो आप बताइए यहाँ वोल्टेज क्या है, यहाँ वोल्टेज, तो जो यहाँ वोल्टेज V होगा और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, नियतांक R1। ऐसे ही R2 के लिए V वोल्टेज धारा I2 किसके बराबर हो गई, R2 के। ऐसे ही R3 के लिए V वोल्टेज I3 धारा किसके बराबर हो गई, R3 के। अब आप यहाँ पे I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 यहाँ आ जाएगा, I1 यहाँ आ जाएगा, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R1। ऐसे ही I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2। ऐसे ही I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। और यहाँ पे जितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये अलग अलग हो गई, यहाँ आके फिर मिल गई, बस इसमें रख दीजिए समीकरण में V अपॉन R। अगर हमने मान लिया कुल प्रतिरोध R है तो V अपॉन R बराबर V1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। वोल्टेज कॉमन ले लीजिए, V अपॉन R बराबर हो जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो गया, तो बस आपका जो तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इसी को क्या कहते हैं,
समांतर क्रम, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, और श्रेणी क्रम में आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर धारा, प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम इतना देखा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।